नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जिस नेपाल के साथ भारत का रोटी बोटी वाला संबंध था, वो नेपाल अब भारत की जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश तो कर ही रहा है, सीमा पर फायरिंग करने से भी बाज नहीं आ रहा। अभी हाल ही में नेपाल पुलिस ने सीमा पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी, तो दो युवक घायल भी हो गए थे। इस फायरिंग के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव तो बढ़ा ही है। सीमा पर रहने वाले बिहारियों में भी डर बना हुआ है कि ना जाने कब नेपाल फिर से फायर कर दे। जो बिहारी बेरोक टोक नेपाल जाया करते थे, वो अब खौफ में जीने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि अब तो डर बना रहता है कि कब क्या हो जाए। यहाँ का माहौल बहुत खराब है, यहाँ लोग घबराए हुए हैं, घबराहट में हैं। उसके पीछे क्या कुछ कारण? ये डर लगता है कि है ना, कब क्या हो जाएगा। उधर से नेपाल से है ना, तनाशाही करता रहता है हमेशा कुछ न कुछ। पहले था तो आना जाना ठीक था, अब जो है बिल्कुल डर लग रहा है। जब से ये कांड गुजर गया तब से यहाँ मर्डर हो गया है ना, उस दिन से बहुत डर लग रहा है मतलब जाने के लिए उधर। किस बात का डर लगता है? जो मर्डर दोनों पार के पुलिस, वो नेपाली पुलिस, हमको डर लग रहा है। एक तरफ नेपाल अपने नए नक्शे में भारत के लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख पर अपना दावा कर रहा है, तो वहीं भारत सरकार को लगता है कि दोनों देशों के बीच तनाव को बातचीत से कम किया जा सकता है। पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? जहां तक बाबा पशुपतिनाथ, चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सबको अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाह कर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है, यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपु लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे, हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है, हम मिल बैठकर इन सब सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। रक्षा मंत्री ने यह बयान उत्तराखंड वर्चुअल रैली के दौरान दिया था। जिन तीन इलाकों पर नेपाल अपना दावा कर रहा है, वो तीनों इलाके उत्तराखंड में ही आते हैं। सरकार मान रही है कि रिश्ते फिर से सामान्य हो जाएंगे, जबकि नेपाल लगातार भारत को उकसा रहा है। 13 जून को सीतामढ़ी जिले में लालबंदी बॉर्डर के पास नेपाल पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई थी, जबकि युवक लगन राय को नेपाल पुलिस उठाकर ले गई थी, जिन्हें शनिवार को बातचीत के बाद नेपाली पुलिस ने छोड़ दिया था। सीमा सुरक्षा बल के डीजी ने इस घटना को हालांकि लोकल मुद्दा बताया,